और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत में एक कार सवार युवक ने अपने फोन से बाघ का वीडियो बना लिया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम अब बाघ की मॉनिटरिंग में जुटी हुई है। वास्तव में आज देखिए ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कोई पर्यटक जिसने बाघ की ये तस्वीर कैद की थी अपने कैमरे में और उसने सोशल मीडिया पर इसे डाला था, जिसके बाद वन विभाग की टीम एक्टिव हो गई। और चलिए इसी बीच मुर्तजा मामले में एक बड़ी खबर है। मुर्तजा मामले में एटीएस की टीम नेपाल से सटे नौतनवा इलाके में पहुंची है। नौतनवा के एक गेस्ट हाउस में एटीएस की टीम ने छापा मारा है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर लखनऊ लाया जा रहा है। संदिग्ध युवक के वाराणसी का होने की जानकारी भी है। संदिग्ध युवक के वाराणसी के होने की जानकारी मिली है। संदिग्ध युवक के पास से आईडी के सत्यापन की कोशिश की गई है। और देखिए संदिग्ध युवक के पास से मिली आईडी के सत्यापन की कोशिश हो रही है। मुर्तजा मामले में लगातार एटीएस की टीम छापेमारी कर रही है। लगातार जहां जहां से कनेक्शन सामने आए हैं, नेपाल से मुर्तजा का कनेक्शन सामने आया, जिसके बाद नेपाल से सटे नौतनवा पर यह छापेमारी हुई है। संदिग्ध युवक के वाराणसी के होने की जानकारी है और संदिग्ध युवक के पास से मिली आईडी के सत्यापन की कोशिश हो रही है। उसकी आईडी से और भी तमाम जानकारी मिल सकती है। एक संदिग्ध को हिरासत में एटीएस की टीम ने लिया है और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक टीम पहुंची थी नौतनवा, जहां पर एक गेस्ट हाउस में एटीएस की टीम ने छापेमारी की थी। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। क्या मुर्तजा से इसका कनेक्शन है? क्योंकि जिस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है उसके वाराणसी के होने की जानकारी है। अब उसकी आईडी के सत्यापन की कोशिश टीम कर रही है। तो मुर्तजा से इस व्यक्ति का क्या कनेक्शन है, अब इसकी जानकारी एटीएस की टीम जुटाएगी। नौतनवा के गेस्ट हाउस में एटीएस की टीम पहुंची थी, छापेमारी की गई, एक संदिग्ध को वहां से हिरासत में लिया गया। टीम उसे लखनऊ लेकर आ रही है और उसके बाद इससे पूछताछ की जाएगी, नेपाल के कनेक्शन, और उसके बाद से एक के बाद एक संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा रहा है।